हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ कंपाउंड वर्ड, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कंपाउंड वर्ड है, मतलब दो वर्डों से मिला हुआ है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज़ द टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वाइल मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड हार्मोनियस वे। मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटी का, जबकि मैनेजमेंट जो है वो किसी काम को किस तरीके से कराना है उसकी आर्ट है, किसी काम को कोऑर्डिनेटेड और हारमोनियस वे में किस तरीके से कराना है वो उस आर्ट को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग एंड प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज टू क्रिएट एक्सचेंज विद टारगेट ग्रुप्स डैट सेटिस्फाई कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस होता है प्लानिंग करना, एक्जीक्यूट करना, आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्राइस क्या होगी उसकी, प्रमोशन कैसे करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे गुड्स को, इस सब का प्रोसेस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और जो सर्विसेज और आइडियाज हैं उसको हम टारगेट ग्रुप के साथ कैसे एक्सचेंज करेंगे ताकि जो कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अर्न करे प्रॉफिट अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके, उसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट का गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू कस्टमर। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको सारे नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ वगैरह, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो फर्म के प्रोडक्ट खरीदे जिससे जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो। सेकंड है सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको कस्टमर की डिमांड की स्टडी कर लेनी चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर करने से पहले। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर से ही स्टार्ट होती है और कस्टमर पे ही ख़त्म हो जाती है। थर्ड है इन्हेंसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो रेवेन्यू जनरेट करता है और जो कंपनी का सर्वाइवल डिपेंड करता है कि जिस किस तरीके से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कितना इफिशियंस है और कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एम होता है कि वो इन्हेंस करे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो। फोर्थ है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो मार्केटिंग होती है वो फैसिलिट करता है कि जो भी नीड है कस्टमर की वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए उनके लिए, इससे भी जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो रेज होता है। फिफ्थ है डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हम कह सकते हैं क्यूमुलेशन होता है वेरियस एलिमेंट्स सच एज जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एम होता है कि वो प्रॉपर प्लानिंग करे मार्केटिंग मिक्स की टू मीट दी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर। तो आज हमने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।